सुन सुन सुन, तूने तय किया ना मेरी तारीफ में लोखंडे जी से क्या बोलना है? नहीं। अरे अरे यार, वो किए बगैर थोड़ी आऊंगा मैं। हाँ तो मुझे तो बता। हाँ सुन, मैं ये कहूंगा लोखंडे जी से कि दीपक अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने के बारे में सोच रहा है। अबे क्या हुआ? ये तो मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि हाँ? जब मेरा रिश्ता पक्का होगा सुषमा के साथ हाँ? तो मैं ये सेम ऐसा करूंगा। क्या बात कर रहा है यार, आई एम प्राउड ऑफ यू यार दीपक। पैसों वैसों का भी इंतजाम हो गया? पैसे की कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। वाह वाह, तू मेरे साथ है ना। हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, इधर 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 आता है काका, इधर सिग्नल आता है। आता है? हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ मैं लोग, हेलो। अरे नहीं नहीं आ रहा है, कभी कभी सिग्नल नहीं भी आता है। हेलो हेलो, वाह दीपक वाह, तू अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने के बारे में सोच रहा है? हाँ हाँ, मैं अनाथ बच्चों के लिए ही स्कूल खोल रहा हूँ। तो सुना ही नहीं उन्होंने। हेलो, आवाज आ रही है? हरिभा मुंबई से लोखंडे काका बात करना चाहते। अरे दे मुझे मुझे दे। हेलो हरिभा, लोखंडे बात करना चाहते। अरे नहीं, मैं बात, अरे कौन मैं? हाँ मैं लोखंडे हूँ। नहीं वो गया। वाह दीपक वाह, तू अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल रहा है? हाँ हाँ, मैं अनाथ बच्चों के लिए ही स्कूल खोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, हरिभा से बोल रहा हूँ। हरिभा आ गया है। हेलो हरिभा, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, वाह दीपक वाह, तू अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा? हाँ हाँ, मैं ही अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा। किसी नहीं। अरे यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं। हाँ, हाँ, एक काम करते हैं, मैं तुझसे दूर जाता हूँ। हाँ, तू तेज चिल्लाना, तब सुनेंगे ये। ठीक है? ओके पक्का। ठीक है जा जा जा। हेलो, हाँ एक मिनट, इधर इधर। हेलो, हाँ हरी बहू सुनिए, मैं लोखंडे बोल रहा हूँ। मुझे बहुत पुरानी घनश्याम जी बनारसी जी की रिकॉर्ड मिली है, जिसकी आपको उसे जान से मत मारना काका, का गर्दन मत मरोड़ देना इसकी काका, शांत काका, दीवार पे उसका सिर मत पटकना काका, काका क्या क्या? सारा खाना आ गया, और आप लोगों ने जो सुरन की सब्जी मंगाई थी ना, वो भी आ गई। पता है ये मार्केट में सुरन ढूंढने में इतना टाइम लगा मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात, मिल गई। अभी मैं जाऊँ? प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय, आर यू श्योर लोखंडे जी नहीं आएंगे? आज तो दीपक ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अच्छा, उसको क्या प्राइस मिलेगा फिर? अंकल, ये प्राइस आपको किधर से मिली? ये गॉड्स गिफ्ट है बेटा। थैंक यू। प्लीज इसे कोई समझाओ कि आज क्या हुआ है, और जो हुआ है उसकी अहमियत इसे समझाओ। अरे मिस मालपानी, लोखंडे जी है ना, उनको उनकी सालों पुरानी अजीज चीज मिल गई, और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड दीपक से टूट गया। ओह बस। जय बेटा, मैं जाऊं उनसे बात करने? नो डैड नो, वो बेचारे सुधाकर जी कब से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब से रिकॉर्ड डिस्क टूटी है ना, पापा को इतना गुस्सा है ना, उनकी बोलती बंद हो गई है। भाभी आ गई। खाना बन गया? हाँ, कब का? आओ जया बेटी, तुम्हारे बाबा तो गम खाए बैठे, एटलीस्ट तुम तो खाना खा लो। चलो अब भाभी आई गई है तो सब शुरू करते। सॉरी, मैं आप सबको खाने से रोक रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ किचन में चले। क्यों, क्या बात है जया? जय, कोई सवाल मत करो, क्योंकि मुझे जो भी कहना है ना, वो मैं किचन में जाके ही कहूंगी।
ठीक है, चलो। हाँ क्या बात है बेटा? अंकल जी ये देखिए। कहीं से किचन का राज पता तो नहीं चल गया? मैं इस गैस को ऑन करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, और होगा भी कैसे? यहां पे सिलेंडर ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिली। अच्छा चाय छोड़िए, मैंने खाने का इंतजार किया, तो फिर बाहर खाना भी रेडी है। जब इस घर में ना गैस का सिलेंडर है, ना इलेक्ट्रिक स्टोव है, ना कोयले की सिगड़ी है, तो फिर इस घर में सुबह शाम चाय, नाश्ता, खाना बनता कैसे है? और तो और ये देखिए, ये डिब्बा खाली है, ये डिब्बा भी खाली है, ये सब डिब्बे खाली है। जय, तुम मुझे सच बताओ, जब इस घर में ना गैस है ना राशन है, तो फिर इस घर में खाना बनता कैसे है? हाथों से। क्या गैस क्या राशन, खाना तो हाथों से बनेगा ना। माँ जी प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पर मैंने मजाक नहीं। जय, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जय, जो सामने दिख रहा है उसे कैसे झुठलाओगे? जय तुम मुझे सच बताओ, तुम जानते हो ना कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। झूठ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ झूठ से नहीं अमीरों से भी नफरत है, मिस्टर दो वक्त की दो रोटी की तरह, यानी तुम्हारे बाबा की तरह, है ना? खैर अमीरी का शक तो मुझे अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ झूठ का शक जरूर हो रहा है। काम से गए नहीं, गई। और काम से नहीं, गुस्सा होके गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कभी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें भी गुस्सा आए और तुम भी कहीं चली जाओ, हाँ, जहां से तुम वापस कभी ना आ सको। हंस रही है, मुझे देखकर हंस रही है कि... शांत शांत अंकल शांत। हाँ काका, आप ही बताओ खाना आया कहां से? काका ना ही तो रसोई घर में गैस है, ना राशन है, और ना ही तो ये दिसंबर का महीना। ये दिसंबर का महीना? हाँ, दिसंबर के महीने में क्रिसमस के दिन में सांता बाबा गर्मा गर्म खाना रख के चला गया हो। इसी वजह से जया दीदी ने वो किया जो शायद वो कभी नहीं करती। क्या जया घर छोड़ के चली गई? नहीं काका, जया दीदी बहुत गुस्से में कमरा बंद करके बैठी है। हाँ बाबा, दीदी बहुत दुखी है कि जीजू और उनके परिवार ने उनसे झूठ बोला। तोड़ दिया। काका हम लोग यहाँ पे प्रेमचंद जी के परिवार द्वारा जो हमारा विश्वास तोड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। आप अभी भी रिकॉर्ड तोड़ने का गम मना रहे हैं? अरे सुधाकर, मैं भी जया का कोमल हृदय तोड़ने की ही बात कर रहा हूँ जो जय के परिवार वालों ने तोड़ा है। मैं तो कहता हूं अब तुम कुछ नहीं कहोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे। जाओ, जय के परिवार वालों से जाके कहो कि मैं उन्हें अभी के अभी मिलना चाहता हूं। अभी के अभी? लोखंडे।
ये मैंने लोखंडे जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, अपनी शादी का पंडाल तोड़ा, पता नहीं मेरे हाथ से क्यों उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। जया जया रुको, आ गए मेरे पता नहीं कब होने वाले ससुर जी। फिकर मत करो, रसोई घर में जो कुछ भी गफला हुआ है उसके बारे में मैं सब जानता हूं। लो एक और मुसीबत, लगता है फिर मुझे लास्ट बॉल पे छक्का मारना ही पड़ेगा। जय के परिवार वालों को बात करने के लिए मैंने बुलाया है, चिंता मत करो। बाबा आपको जय के परिवार को कुछ पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई जवाब ही नहीं है। उन्हें जवाब देंगे भी तो क्या देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करते हैं, हम लोग है ना लोखंडे जी से चार ऑप्शंस मांग लेते हैं, उनमें से एक चूज करके उनको जवाब दे देंगे। मालपानी प्लीज चुप रहो, प्लीज। सॉरी। जय बेटा क्या करेंगे, इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है। चल आइडिया तो आया। हाँ। हमें लोखंडे जी और जया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे ये कौन सा आइडिया जय? अरे हमेशा से तो डिफरेंट आइडिया है ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है। जय तू सरेंडर करने की बात कर रहा है? ठीक है डैड, आई थिंक इट्स टाइम। हमें बता ही देना चाहिए कि हम कौन है, और अगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो फिर यही से। अरे ओ हारे हुए मजनू की औलाद। नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं। और ये क्या बोल रहा है तू? सच बता दूंगा, सच बता दूंगा, पागल हो गया क्या? हाँ बता देते हैं सच। जया और लोखंडे जी को बुला के उनके सामने रेडियो का बटन घुमाते हैं, रिवॉल्विंग दीवार को खोलते हैं, हमारे अमीर घर की असलियत और हमारी असलियत सब कुछ बता देते हैं। अरे ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद। अरे अंकल वो तो सही इंसान थे, आप क्या लुक दे रहे हो? ए दीपक तू ये सब बात इसके लिए तो नहीं बोल रहे है ना कि तेरे प्यार की नैया ना डूब जाए? अरे नहीं मैं अपनी नैया डूबने की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मेरे प्यार की नैया अभी पानी में घुसी नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ दीपक, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत झूठ बोल लिया हमने, अब ये सजन और झूठ नहीं बोलेगा। जय तू मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। तू प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी चलो बुलावा आया है, काका ने बुलाया है। बोल साचे दरबार की जय। माजी माता ने नहीं काका ने बुलाया, चलिए आते। अब तो माता जी बचा सकती है बेटा, बचा लेना। हे माता रानी मेरा प्यार भले न मिले लेकिन जय की शादी मत तोड़ना प्लीज। सुधाकर बताओ चाय के कितने कप थे? सरदार तीन। तू क्या सांभा है क्या? मतलब काका तीन कप चाय बन चुके हैं सुबह से माजी के हाथों से, और एक बार खाना। तो सुधाकर तुम्हें क्या पसंद आया, खाना या चाय? बहन जी आप बहुत ही भोली हो, मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। बताइए प्रेमचंद जी, किचन में गैस नहीं है, भाजी तरकारी? बाबा आगे और कोई सवाल मत पूछिए, क्या आज हम आप सबसे सबसे सब कुछ सच सच बोलने वाले हैं। क्या होगा, सब खराब हो गया। हे चाणक्य की आत्मा सिर्फ दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए मेरे अंदर आ जा और कोई धांसू सा आइडिया देके चली जा। हे प्लीज यार, यही होता है,
यही होता है जब किस्मत में ठोकर लिखा हो ना तो घर में भी लग जाता है। सब प्लान फ्लॉप हो गया। पता चला था माइकल लाल बनने। बोलिए क्या सच सुनाने वाले हैं? पिताजी बताइए। दाई 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 तरफ। तुम मैं तो दाई तरफ ही हूँ ना। दाई माँ बताएगी। मैं बोलू इससे अच्छा उर्मिला बताएगी। उर्मिला खा गई। उर्मिला अब आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? चिट्ठी डाल के तय कर लो ना कौन बताएगा। सुधाकर जब चिट्ठी लिख देंगे तो बोलने की क्या जरूरत है? मजाक का माहौल नहीं है जय की माँ। प्लीज कंट्रोल। रेडियो जय भैया काका सखी सहेली प्रोग्राम कभी नहीं सुनते और वैसे भी अभी सखी सहेली आता भी नहीं होगा। बाबा मैं आज आपको कुछ सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको सच दिखाऊंगा। नमस्कार भाइयों बहनों, आइए हम सभी मिलकर के सुनते हैं प्रेम कहानी। इस नाटक का अगला भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि परिवार पर मुसीबत आ गई थी। ये तो हमारा पकड़े जाने वाला रेडियो था, ये सिग्नल कब से पकड़ने लगा? जी हाँ, कहानी के इस भाग में प्रेम का दीपक जब जलता है तो प्रेम करने वाले की जय जयकार होती है, क्योंकि इस जालिम दुनिया में प्रेम चंद मात्र में बचा है और इसलिए दुनिया का सारा माल पानी भुलाकर सिर्फ हाथों में विश्वास का कंगना पहन लेना चाहिए। ऐसा उर्मिला ने वनवास जाते हुए अपने पति लक्ष्मण से कहा था। जी हाँ, और लक्ष्मण के जाने के बाद बिचारी पत्नी उर्मिला ने शयन कक्ष में अपना सारा जीवन बिताया। सुना आपने परिवार वालों, शयन कक्ष में बिताती है उर्मिला अपना पूरा जीवन लक्ष्मण के जाने के बाद। जी हाँ, शयन कक्ष में। शयन कक्ष मतलब बेडरूम। लगता है दीपक बेडरूम जाने का हिंट दे रहा है। ये क्या सुना रहे हो तुम? बंद करो रेडियो। क्षमा प्रार्थी हूँ। लगता है प्रोग्राम बदल गया बाबा। जो आपको सुनाना था वो बदल गया है, तो शयन कक्ष में चलते हैं। बेडरूम में जी, वहाँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए शयन कक्ष में चलते हैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.